रैम्बो में नाइफ का कॉन्सेप्ट? आखिर कैसे बनाता है रैम्बो अपना स्पेशल नाइफ और क्यों है टाइगर श्रॉफ आजकल चर्चा में? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहां बल्कि अपनी आज के इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीगैड स्टूडियोज। दोस्तों लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के फायदे की बात बताऊं, दरअसल हम लोग ला रहे हैं आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक करके जान भी सकते हैं और फायदा भी उठा सकते हैं। देखिए फायदा उठानी अच्छी बात होती नहीं है, लेकिन ये वाला जो फायदा है ना, काफी फायदेमंद है। चलिए आप देख इस बात की शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ। सिल्वेस्टर स्टालन की फिल्म में रैम्बो को कई सारे वेपन्स, गन्स, अलग अलग डिजाइन की बुलेट्स यूज करते हुए देखा गया था, लेकिन इन सब के बाद भी रैम्बो के पास एक खास किस्म का नाइफ होता है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल वो लोगों को मारने के लिए करता था। और अब जब इंडियन रैम्बो बन रही है तो मेकर्स हॉलीवुड रैम्बो का ये अलग कॉन्सेप्ट अपनी फिल्म में भी यूज करते नजर आएंगे। सिल्वेस्टर स्टालन की रैम्बो फिल्म में ये नाइफ फिल्म के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट में देखने को मिला था। फिल्म में रैम्बो इस नाइफ का इस्तेमाल एक भाले की तरह करता है। अगर आप इस नाइफ को देखेंगे तो ये अपने आप में काफी खास भी नजर आएगी। रैम्बो फर्स्ट ब्लड में जिस नाइफ का यूज किया गया था उसे जेम्स ब्यूल लाइल ने डिजाइन किया था। जेम्स लाइल को जिमी लाइल और द आर्किंसन नाइफ स्मिथ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकन नाइफ मेकर थे और इसमें उनका साथ दिया था रैम्बो 3 के नाइफ को डिजाइन करने वाले गिल हिबन ने। ये नाइफ देखने में काफी शार्प होती है। इसके साथ इसकी लेंथ लगभग 9 इंचेस की लगा लीजिए। रैम्बो फिल्म सीरीज के बाद ये नाइफ वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हुई कि इस नाइफ को रैम्बो नाइफ कहा जाने लगा था। फिल्म में जब रैम्बो के पास सबसे पहले इस अलग तरीके के नाइफ को दिखाया जाता है तो फिल्म की स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। मेकर्स ने पार्ट अपनी फिल्म में इसीलिए रखा था ताकि ऑडियंस रैम्बो नाइफ की खासियत को समझ सके। रैम्बो ने आर्मी से निकलकर अपनी जिंदगी के 10 साल जंगलों में बिताए। अब जंगल में रहने पर रैम्बो का सामना कई जंगली जानवरों से होता दिखाया जाएगा। एक बार रैम्बो पर एक जंगली भालू पीछे से वार कर देता है। काफी मुश्किलों के बाद रैम्बो उससे बचता दिखाया गया। अब यहाँ पर रैम्बो को पहली बार अपने लिए एक हथियार की जरूरत महसूस होती है। अब रैम्बो एक ऐसी चीज बनाना चाहता है जो छोटी होने के साथ साथ धारदार भी हो। अब रात के अंधेरे में मशाल लिए चल रहे रैम्बो को एक मरा हुआ जंगली भेड़िया दिखाई देता है। रैम्बो को ये पता रहता है कि जंगली भेड़िए के जो दांत होते हैं ना, वो काफी नुकीले होते हैं। रैम्बो उसी के दांतों से अपने लिए एक शार्प नाइफ तैयार करता है। वो हमेशा इस नाइफ को अपने जूतों में छुपा कर रखता है। अब इंडियन रैम्बो में भी आप टाइगर श्रॉफ को इस अलग तरीके के नाइफ का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, जिसे एक भाले की तरह यूज किया जाता है। इसके लिए मेकर्स ने टाइगर के लिए एक वर्कशॉप का भी अरेंजमेंट किया है, जिसमें टाइगर रैम्बो नाइफ को भाले जैसे फेंकने की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन डिजाइन करेगा फिल्म के लिए रैम्बो नाइफ? खैर ये तो अपन इंतजार करेंगे और पता चल ही जाएगा। वैसे दोस्तों टाइगर श्रॉफ इन दिनों काफी चर्चा में है, लेकिन इस बार उनके चर्चाओं की वजह उनकी फिल्म्स नहीं बल्कि दिशा पाटनी से उनका लव अफेयर है। हाल ही में करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन दोनों एक साथ पहुंचे थे। अब इस दौरान टाइगर ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि अब वो एकदम सिंगल है और उनकी लेडी लव दिशा पाटनी से उनकी सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है। टाइगर श्रॉफ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के चर्चे करते हुए भी नजर आए दोस्तों इस शो में। वैसे टाइगर श्रॉफ ने श्रद्धा कपूर को बी टाउन की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस बताया जिनके लिए टाइगर इन्फैचुएट रहते हैं। अब ये बात भला किसी से छुपी नहीं है कि टाइगर का क्रश रही है श्रद्धा स्कूल टाइम में, और अब इस बात से ये साफ जाहिर हो चुका है कि टाइगर श्रॉफ का बचपन का प्यार अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों अब ये तो थी टाइगर की लव लाइफ, लेकिन रैम्बो फिल्म में टाइगर का ओवरऑल लुक और रैम्बो नाइफ की स्टोरी कैसी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त हमें बताएगा और हम आपको
आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।